अब ऋतिक रोशन बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं और उनकी सभी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि ऋतिक रोशन की सुपर हीरो वाली फिल्म क्रिश 4 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर जाहिर सी बात है ऋतिक रोशन के चाहने वालों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होने वाली है। यहां हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि क्रिश फ्रेंचाइजी के तीनों ही भाग काफी ज्यादा पसंद किए गए हैं। सबसे पहले कोई मिल गया जिसे 2003 में रिलीज किया गया था, यह उस समय काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक मानी गई। फिर इस फिल्म का दूसरा भाग यानी क्रिश 2006 में रिलीज हुआ। इसी कड़ी में फिल्म का तीसरा भाग क्रिश 3 2013 में रिलीज होता है और इन सभी तीनों भागों को देखने के बाद क्रिश 4 का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और समय समय पर इसको लेकर अपडेट्स भी सामने आती रहती है। लेकिन इसी कड़ी में जो खबर सामने आई है जाहिर सी बात है उसे जानने के बाद क्रिश फ्रेंचाइजी के चाहने वाले खुशी से उछलने वाले हैं क्योंकि क्रिश फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट यानी क्रिश 4 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसे सुनने के बाद प्रशंसक काफी खुश हो जाएंगे। अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश 4 की कहानी वहीं से शुरू होने वाली है जहां पर फिल्म का तीसरा भाग खत्म हुआ था। आने वाली कहानी में लोगों को पहले दो गुना ट्विस्ट और टर्न दिखाई देने वाला है। बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन के पिता और निर्देशक राकेश रोशन इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और फिलहाल फिल्म के जरूरी हिस्सों पर काम भी किया जा रहा है। अभी हाल ही में आई पिक बिला की रिपोर्ट के अनुसार क्रिश 4 की कहानी पिछले सीन से शुरू होने वाली है लेकिन पात्रों को रोमांचक ट्विस्ट के अगले पार्ट को बनाया जाएगा। राकेश रोशन इस फिल्म की कहानी पर लगातार काम कर रहे हैं और यह फिल्म काफी बड़े बजट के साथ बनाई जा रही है। फिल्म में कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंस होंगे जो पहले दर्शकों ने कभी नहीं देखे। हालांकि इसी रिपोर्ट के अनुसार इस बात की जानकारी दी गई है कि क्रिश 4 के म्यूजिक के बारे में पहले भी कई बार हिट आ चुके हैं और राकेश रोशन ने म्यूजिक को लेकर उस दौरान कहा था कि हमने अभी तक क्रिश 4 के म्यूजिक पर काम करना शुरू नहीं किया लेकिन जैसे ही स्क्रिप्ट बनकर तैयार होगी हम फिल्म के म्यूजिक पर काम करना शुरू कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहेंगे कि राकेश रोशन ये पहले भी बता चुके हैं कि क्रिश 4 एक बड़ी और भव्य फिल्म होने वाली है। उन्होंने इस दौरान कहा था कि इसे कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद ही बनाई जाएगी क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म के व्यावसायिक संभावनाओं को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि क्रिश 4 को लेकर फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन भी फूक फूक कर कदम उठाना चाह रहे हैं और फिल्म के स्क्रिप्ट पर वो लगातार काम भी कर रहे हैं। यहां हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि क्रिश 4 को दो भागों में बनाया जाने वाला है यानी क्रिश 4 और क्रिश 5। बताया जा रहा है कि यह एक बड़े बजट वाली फिल्म होने वाली है जिस पर निर्माता खूब पानी की तरह पैसा भी बहाने वाले हैं। ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि फिल्म को लेकर अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है तो जाहिर सी बात है इस फिल्म पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि क्रिश फ्रेंचाइजी हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली है और इस फिल्म का पिछला भाग 2013 में रिलीज हुआ था। लगभग 9 सालों के बाद अब फिल्म के अगले भाग का इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है लेकिन इंतजार कब खत्म होगा इसके लिए भी हमें थोड़ा बहुत इंतजार तो करना ही पड़ेगा। खैर इसी कड़ी में ऋतिक रोशन के वर्कफ्रंट की तरफ डालें तो 2019 में उनकी बैक टू बैक दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। सबसे पहले सुपर 30 उनकी रिलीज हुई जिस फिल्म में उनके आनंद कुमार वाले किरदार को जमकर पसंद किया गया तो वही दूसरी ओर वॉर फिल्म के भी जरिए दर्शकों का उन्होंने भरपूर मनोरंजन किया। इस फिल्म में उन्होंने मेजर कबीर ढालीवाल का किरदार निभाया। फिल्म में उनका भरपूर साथ टाइगर श्रॉफ ने दिया और यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित रही। अब 2019 में इन दोनों फिल्मों के सक्सेस के बाद ऋतिक रोशन की कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाई लेकिन इस समय वो विक्रम वेधा को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है। यह फिल्म भी काफी मायनों में खास है। फिल्म का निर्देशक पुष्पर गायत्री ने किया और स्क्रीन प्ले इस फिल्म के नीरज पांडे ने लिखे। फिल्म में अगर कलाकारों की तरफ डालें तो फिल्म में सैफ अली खान, ऋतिक रोशन और राधिका आप्टे दिखाई देने वाले हैं और इस फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा हाई फाई बताया जा रहा है। यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि यह फिल्म साउथ की एक बड़ी फिल्म का रीमेक होने वाली जिस फिल्म में अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ सैफ अली खान दिखाई देने वाले हैं। फिल्म से जुड़ा उनका फर्स्ट लुक भी जारी हो चुका है।